वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप समझ चुके होंगे आज इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। जी हाँ, इस एपिसोड में हम वॉइस एंड स्पीच पर बात करेंगे। यूं तो वॉइस एंड स्पीच बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, पर बहुत ही वाइटल यानी एक्टिंग के लिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं वॉइस एंड स्पीच से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस, पर उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ज्ञान के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, लिंक यह रहा ऊपर, आप अभी देख सकते हैं। 10वें एपिसोड से शुरू करें, 5वां एपिसोड देखने के बाद ही इस एपिसोड को देखें। इन सबके पीछे एक कारण है और इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, और ये कारण मैं आपको ज्ञान के आखिरी एपिसोड में बताने वाला हूं। तो इस एपिसोड में वॉइस एंड स्पीच से रिलेटेड एक्सरसाइजेस जानने से पहले सारे नए दर्शकों को मैं कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। इंट्रो के बाद जानते हैं वॉइस एंड स्पीच से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस। शुरू करते हैं ज्ञान यानी गंदी यूट्यूब एक्टिंग ना सीखे। वेलकम बैक, मैं हैप्पी रणजीत आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान के चौथे एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं वॉइस एंड स्पीच से रिलेटेड चार एक्सरसाइजेस। वैसे चार क्यों है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, जिन्होंने ज्ञान के पिछले एपिसोड्स देखे हैं वो समझ सकते हैं, 10वें एपिसोड में हमने बात की 10 किताबों पर, 9वें एपिसोड में हमने बात की 9 रसों पर, 8वें में बात की 8 भावों पर, 7वें में 7 क्वालिटीज, 6ठे में 6 बिग मिस्टेक्स, और उसी तर्ज पर आज चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे चार एक्सरसाइजेस के बारे में। और दूसरा कारण है जो कि बहुत अहम है, वो है ज्ञान का ऑनलाइन होना। जी हाँ, जैसे ही सही एक्सरसाइजेस आपको फायदे पहुंचाते हैं उसी तरह गलत प्रैक्टिस से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी यही कहती है कि मैं आपको वही एक्सरसाइजेस बताऊं जो आप अकेले कर सके, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा और आपको कभी ये बता नहीं पाऊंगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वॉइस और स्पीच से रिलेटेड एक्सरसाइज करने से पहले आपको वॉइस को समझना चाहिए। दरअसल हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं वही हवा हमारे वॉइस को आकार देती है। आप इसको बेहतर करने के लिए कोई भी योगा चैनल देखिए, उससे प्राणायाम करिए जिससे आपके सांस पर आप काम कर सके। सिंपल भाषा में बताऊं तो आप सांस भर कर लें पेट से, पूरी तरह सांस लें पूरी तरह सांस छोड़ें, उसी से आपके वॉइस को आकार मिलेगा। पहली एक्सरसाइज वोवेल्स का उच्चारण, ए ई आई ओ यू, इन शब्दों को बोलते हुए आपके जॉ आप जरूर मूव करें, जितना ज्यादा कर सके उतना ही अच्छा है। मैं फिर से करके दिखा रहा हूं, आप साथ कर सकते हैं, ए ई आई ओ यू। शब्दों का उच्चारण करते वक्त जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं वो हैं हमारे होंठ और हमारी जीभ। इसलिए आज की दूसरी एक्सरसाइज हमारे जीभ और हमारे होंठ के लिए। ये एक्सरसाइज यूं तो आपने जाने अनजाने में बचपन में कभी ना कभी की होगी। बचपन में याद है हम स्कूटर चलाते थे, एग्जैक्टली वही करना है। शुरू करें, और होंठों के लिए करते रहिए। स्पीच बोलते समय सबसे ज्यादा काम जो आता है वो है हमारे स्वर, यानी जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में सुर कहते हैं। ये तो पता ही होगा 7 सुर होते हैं।
आप इसका प्रैक्टिस हारमोनियम पर भी कर सकते हैं, या तो फिर आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। आरोह और अवरोह दोनों ही प्रैक्टिस करें। जिन लोगों को संगीत का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए मैं सिंपल भाषा में अगर कहूं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सा से जब हम ऊपर के ओर चलते हैं तो उसे आरोह कहते हैं, और जब हम ऊपर वाले सा से नीचे वाले सा की ओर आते हैं उसे अवरोह कहते हैं। बहुत सिंपल प्रैक्टिस इसकी यही हो सकती है। वैसे थिएटर म्यूजिक के बारे में जानने के लिए मैं आपको ऊपर एक लिंक दे रहा हूं। हमारे यहाँ जो 1 ईयर कोर्स चलता है, वो स्टूडेंट्स अपने म्यूजिक डेमो में बहुत सारे गाने गाते हैं, सरगम का रियाज करते हैं, वो आप इस वीडियो से देख सकते हैं। अब जानते हैं चौथी एक्सरसाइज के बारे में, जिससे आपके डिक्शन में सुधार जरूर आएगा। पर इस एक्सरसाइज के लिए आपको किसी और एक चीज की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं करता हूं थोड़ा मैजिक और आपको दिखाता हूं। जी हां, इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक पेन या पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। दरअसल आपको करना क्या है, आपको होंठों के बीच ये पेन रखना है या पेंसिल ले लीजिए, और इसके साथ आप कोई भी स्पीच उठा लीजिए, उसका उच्चारण करते हुए उसको पढ़ें। कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। इसे आप दोहराते रहें तब तक जब तक आपका तलफ्फुज यानी आपके उच्चारण सही नहीं हो जाते। हो गए 4 एक्सरसाइज। वैसे आप ये एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करें और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर करें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टाग्राम ID ये रहा। और चाहे तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। खैर, अगले एपिसोड में हम जानेंगे रोने के 3 तरीके, उसका लिंक नीचे, और पिछला एपिसोड नहीं देखा तो साइड में लिंक आ रहा होगा। मिलते हैं।